आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगवा आपके लिए लेके आया हूँ रंगारंग कार्यक्रम। दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं सोनापुर का महासंग्राम करने का फल मुकद्दर का फैसला डाकू चार्ज, जिसके प्रस्तुत करता है चांसा थिएटर संगीत कंपनी बछुआ खास थाना गुरबकस जिला रायबरेली। हमारे जितने नए संगीत प्रेमी भाई हैं सभी से अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट और सुझाव जरूर दें। देखते रहिए फनी मंजल लाइव, बजाते रहिए फनी मंजल लाइव यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद। हवलदार से मुलाकात भय लौंडे रमेश आ चलते हैं, देखते हैं कि किधर गई, इसलिए तुम जानते नहीं क्या है उसके मूल मेरे पास कुछ है और कि मेरे लब पे और जन्म आप मेरे लब पे जन्म आप क्या हुआ मजनू, होश उड़ गए देख करके? जय सर। जय। हमने सोचा कि आप किरण के साथ आए हैं तो हो सकता है कि किरण के कोई रिश्तेदार या हमने सोचा कि किरण के अंकल हैं, इसीलिए मैंने। हाँ सच कहा तुमने, हम किरण के अंकल हैं और रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं। शायद आपके साथ क्यों आए? कोई बात हम बताएंगे तुम्हें हम क्यों आए हैं। पता चलेगा साले लौंडिया। हर बताता हूँ Thank you.
तो मेरी बात भी सुन लीजिए। और लगा मुझे झूठा और की लगा मुझे झूठा मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, लेकिन मुजरिम कितना भी चालाक हो कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि मुजरिम के गिरेबान तक पहुंच ही जाते। सूरज सर सच मानता हूं लेकिन जो अपराध लगाया गया है ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया है। राधा और किरण तुम लोग सच सच बता दो, अरे किरण क्या बोल रही और तुमने क्या बताया? हमने तो कुछ ऐसा काम ही नहीं किया। सूरज मैंने तुमको कितनी बार मना किया कि राजा की इज्जत को मत बिगाड़ो। रो रो के राजा चिल्ला रही थी लेकिन तुमने मेरी एक भी बात राजा की इज्जत बिगाड़ दी। और मुझे इंसाफ चाहिए और इसको छोड़ू मैं नहीं ओ पाजी।
दोबारा मुझे मत छेड़ो और किसी की इज्जत ना बिगाड़ो। ठीक है जी, जो कुछ भी हम अगर एक भी बार मेरी बात संभाल लेते सूरज, तो आज ये दिन तुम्हें देखने को नहीं मिला। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और राधा की इज्जत को इतना झूठ मत बोलो ताकि भगवान को भी बुरा लगे। नहीं, लेकिन एक दिन तो रो रही थी, मैं करूँ तो क्या करूँ, लड़कियों के पछता हूँ कि अगर मैं लड़का होता। अगान जाके धमकी देता है सर, देखो क्या देखो? मेरे सामने उसे धमकी देता है, तू जानता नहीं, तू जानता नहीं मेरा नाम क्या है। लोग वैसे तो मेरा शुभ नाम शंभर सिंह जी है, लेकिन प्यार से मुझे लोग ऐसे व्यक्ति थोड़ा सिंह कहते। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सिंह, अरे थोड़ा सिंह ने जिसको भी तोड़ा, सूरज थोड़ा सिंह ने जिसको भी तोड़ा, उसको आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं जोड़ा। समझ गया मेरी बात? मेरा नाम है हवलदार हीरन डोलन मौका पान चपेलन। आज साल तेरे ऐसी पिटाई करूंगा ना जिंदगी भर लौंडिया बाजी नहीं करेगा। हवलदार, इसे जीप में डाल करके थाने लेकर के आओ। मैं इन लड़कियों को रास्ते में घूम छोड़ करके थाने पहुंचता हूँ। आई किरण और राधा, चलो मेरे साथ। जाओ किरण, जाओ जाओ, लेकिन पूछे जाओ। तुमने जैसा किया तुम्हें वैसा मिला, मैं जा रही हूँ। तुम तो भूलता कल भी का फल क्यों मतलब मिलेगा किरण? आजकल लौंडिया बाजी सजा हो, एक दिन हम अपने नानी के नंद के साथ बलात्कार करेंगे, 6 महीना जेल काटे। ना चलो हवलदार, चलो अपने चलो। और हमसे क्या भूल हुई, और जो सजा हमको बहन। अरे मैंने तो थोड़ा कहा, तूने तो पूरा। बहन अपने राज राजा निकल गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सारी चुटकनी कितने पैसा निकाल के लाए, एक एक पैसा लाओ। कहाँ
कौन पैसा निकाल ला रहे उठा के अंदर कर दूंगा अरे तुमने कहीं गिरा दिए होंगे जल्दी पैसा निकाल लेने में झूठ झेल के कैसे लिखा भाई सही बलात्कार हुई देखो बहन देखो खराब हो जा रहे हैं इसका नाम हल्लन दुल्लन है हल्लन दुल्लन मक्का पांच पहले ए हवलदार सुनो उसे कैद करके तो ले गए हो उसको साले को अंदर कर दिया लेकिन हाँ। उसके हाथ पैर तोड़ देना छिहत्तर लगा के फांसी करना उसकी फांसी फांसी जैसे सतहत्तर लगा दे सतहत्तर नहीं छिहत्तर चलाना दादा अब तो ऐसे जियो क्यों ऐसे कॉलेज जाओ और ऐसे आओ कोई डर नहीं कोई शंका नहीं कहीं सूरज न मिल जाए रास्ते का कांटा निकल गया थे अपनी राह क्यों नहीं अब तो कल तेरे नाम से पार्टी होगी पार्टी होगी हाँ सच्ची सच अब काफी समय हो गया बहन अभी तुमने मेरे 500 रुपए नहीं दिए मुझे 500 हाँ अरे ये लो ठीक अब मैं इतना रोई था चिल्लाई फोकट में मेरा सर दर्द करने लगा अब तुम ऐसा करो तुम अपने घर जाओ आज तुम इस रास्ते से जाओ और मैं इस रास्ते से जाती हूँ रोज मैं और तुम तो इसी रास्ते से चलती थी यानी आज मैं अपने रास्ते से जाऊँ तुम्हारे घर ना जाओ आज मेरे घर नहीं जाओ ठीक है क्योंकि देर हो गई है देर हो गई है मैं तुम्हारे बच्चे भी तुमको डांटेगी हाँ ठीक है जाओ बाय 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 सूरज से फिराया है जिसके पीने से तबियत स्वेल हो गई दोस्त करम सिंह आज तो तू शराब पीकर कहता है कि मैंने तुझे ऐसी चीज खिलाया कि तू खुश हो गया अरे गए लेकिन शराब के साथ में शराब के साथ में अगर शबाब मिल जाए तो और मजा आता है अरे शराब मना शराब में इतना मजा है तो शराब की क्या जरूरत जरा पीछे मुड़कर देख क्या हसीन लंबिया खड़ी हुई है शराब पीने के बाद अगर लंबिया मिल जाती है तो बहुत मजा आता है सारी लड़की लड़की यहाँ कैसे आ रही है अरे छोड़ लड़की लड़के का चक्कर अगर लड़की लड़की का चक्कर बनेगा तो बड़े भैया को मालूम होगा सबको नाक मिलेगी लड़की क्या नाम तेरा जमीरा साहब मेरा नाम राधे भैया आ जाकर बैठ है अरे छोटे जगह इसको जाने दे क्या शराब का मजा क्यों क्या कर रहा है चलो चलो बैठ कर शराब पीते आओ आप तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं हम बहुत अच्छा आने इंसान है चूना लगा के आपका चालू चलन आपका रहने से देख के मुझे लग रहा है कि आप दिल के और बहुत नेक इंसान हैं मैं आपकी बाकी समान हूँ आपने मेरा मार्ग रोका है अब मेरे को इतनी कृपा और कर दीजिए मैं घर जा रही हूँ मुझे जाने दीजिए सबसे पहले ही बताओ लड़की तेरा नाम क्या है मेरा नाम है राधा राधा अरे
बहुत प्यारा नाम है तेरा। तुम्हें इतना चिल्लाने की कौन सी बात आ गई? ऐ लड़की, मेरा नाम जोगिंदर है। तुम्हें क्या था तुम्हारे नाम से मेरे मुझे क्या लेने देना? मुझे क्या मतलब है तुम्हारे नाम से? अगर जोगिंदर के दिल की प्यास बुझा दोगी ना, क्या तो माला माल कर दूंगा जाने। तुम्हें इसी बात कहते हो शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारी बेटी की तरह हूँ और छोटी सी नादान बच्ची हूँ, और तुम मुझसे ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बगीचे में अगर खिलती है कली तो महक की जरूर है, खिलती है कली तो महक की जरूर है, अरे चलती है जवानी तो मचलती जरूर। क्या लग रही हो मेरी जानवन? इसलिए मान जाओ, आओ आओ मेरी जान, ले आ जाओ मेरी जान, मेरा छोड़ो और मुझे जाने दो। I love you मेरी जानवन। I love you का सत्यानाश, तुम्हारा सत्यानाश है तुम्हारे I love you का सत्यानाश। चलो मेरे कैसी बात कहती हो तुम्हें? ये सुन ले ऐ मेरी चंचल हसीना। हाय हाय क्या लग रहा है? मैंने कहा ना ऐसा चक्कर चुक्कर लड़के छोड़, क्यों क्या हो गई चल रहा है मेरे भैया इंतजार कर रहे हैं। सभी फुलजानों से हम बात आए हैं, इतना शराब पिलाया लेकिन अभी भी इसको दिमाग में ये नहीं आया कि लौंडिया का मजा क्या होता है। ये शरीफ इंसानों की असलियत है, ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है कि मैं शरीफ हूँ इसीलिए वो कह रहे कि छोड़। तो सुन ले ऐ मेरी चंचल हसीना, Thank you.
तुम्हारी समझ में नहीं आती है क्या मेरी बात? मुझे बेसमियों नगमा सुना कहती है मुझे जन्नत मदीना दिखाएगी वो तेरे जिस्म से खेलना चाहता हूँ जरा सटे ही कर दो मन चाहा भी निकाल लो लेकिन नहीं हम सीधे से काम बनाएंगे। राम जी इस लड़की को समझा दो अगर जगदा सिंह का कहना नहीं मानेगी तो फिर हम जबरदस्ती लेकिन प्यार तरीके के हो प्यार कई तरह के हो कई तरीके का प्यार होता है। अरे मान लियो जैसे प्यार करे का विचार है हाँ। भरी बाजार में प्यार कर सकत वो कैसे मन ही तमाम रहे उनके बीच प्यार कह जाओ और सगना कर पाई मेला ठेला में प्यार कह जाओ।